किसी की जिंदगी में शायद सबसे बड़ा त्योहार उसकी शादी ही होती है, लेकिन जब पूरा देश लोकतंत्र का पर्व मना रहा हो तो उसमें शरीक होना तो बनता ही है। इसकी वानगी लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग के दौरान देखने को मिली, जब अपनी नई जिंदगी शुरू करने जा रही दुल्हनों ने देश की नई सरकार चुनने का फर्ज पहले अदा किया। ये तस्वीर यूपी के आगरा की है, जहां घर में लड़की की मेहंदी की रस्म चल रही थी, लेकिन दुल्हन ने शादी की रस्म से पहले वोट डालना जरूरी समझा और फिर पहुंच गई पोलिंग बूथ अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर। वोट सबको देना चाहिए, स्कूल में भी सिखाया जाता है कि हमें वोट अपना नहीं छोड़ना चाहिए, तो वो मेरा राइट है। किस आधार, क्या आधार रहा है आज वोट देने का, मतलब किन मुद्दों को लेकर वोट दिया है आपने? मुद्दा तो नहीं, लेकिन एक वो है ना कि एक हम लोगों को एज के अकॉर्डिंग बताया जाता है कि 18 अबव हम दे सकते हैं, वो हमारा सबसे ज्यादा जो हमारा राइट होता है वो वोट का ही होता है। उधर जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में भी शादी रचा रहे एक जोड़े ने देश के प्रति जिम्मेदारी की मिसाल कायम की। ये नवविवाहित जोड़ा अपनी शादी के कुछ रस्मों को निभाकर सीधे पोलिंग बूथ पर जा पहुंचा और मतदान किया। पोलिंग बूथ पर शादी का जोड़ा पहने पहुंचे दूल्हा दुल्हन को देखकर लोग दंग रह गए और वोट डालने के लिए ऐसे जुनून को देखकर मौजूद सभी लोग काफी खुश हुए। इस दौरान दोनों ने अपने जन प्रतिनिधि को चुनने के लिए वोट डाला। वहां मौजूद लोगों ने जब ये सवाल किया कि वोट किसको दिया, क्या दोनों ने एक ही प्रत्याशी को वोट दिया या अलग अलग दिया, तो ये सुनकर दोनों मुस्कुराने लगे और कहा कि वोट देना जरूरी है, चाहे जिसे भी दें लेकिन वोट जरूर दें। मैं बस यही कहूंगी कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा, मैंने वोट कास्ट किया, मेरी शादी की होगी आज, फिर भी मैंने वोट कास्ट किया, सब अपना अपना वोट डालें, वोट जरूर डालें। तो शादी के बाद में कितने 10 मिनट लगे होंगे, बट हार्डली मैंने आपको जो मेरा मेन यही है कि ये 10 मिनट आपके आने वाले 5 साल को डिसाइड करते हैं। वोट डालना जरूरी है, दिल में हो या दिमाग में हो, जो भी है राइट टू वोट है, देना ही देना है। मेन चीज़ ये देश जिस मर्जी को आप, बट जरूर घर से निकले और हाईएस्ट वोटिंग करें। मैं तो चाहता हूँ कि मेरा डिस्ट्रिक्ट उधमपुर 100% वोटिंग उसमें आए, कम से कम एक मुझे ये खुशी हो, मुझे ये शादी का तोहफा है। दरअसल देश के लोकतंत्र में मतदाताओं का खास योगदान है, ये मौका 5 साल में एक बार आता है और एक वोट किसी की हार और जीत का फैसला कर सकता है। ऐसे में आज के युवाओं को अच्छे से पता है कि सशक्त लोकतंत्र के लिए हर एक वोट जरूरी है और वो इसे बखूबी निभा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट प्राइम।